दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है, आज हम जिस तरह से पेट्रोल और डीजल का यूज कर रहे हैं, आने वाले टाइम में 30 से 40 सालों में पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाएगा। और आज ईरान और सऊदी जैसे देश पूरी दुनिया को पेट्रोल और डीजल बेचकर खूब सारा पैसा कमा रहे हैं और ये दिन पे दिन अमीर होते जा रहे हैं। और इन देशों का एक संगठन है जिसे ओपेक कहते हैं। यही संगठन पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमत को डिसाइड करता है। और जो पेट्रोल हमारे देश में सन 2010 में 52 रुपए प्रति लीटर मिलता था, वही आज 100 रुपए के पार बिकता है। तो ऐसी क्या खास वजह है जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल इतना ज्यादा महंगा है, और आखिर इसे बनाया कैसे जाता है, तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और आपको पेट्रोल और डीजल निकालने का प्रोसेस इस वीडियो में काफी ज्यादा आसान लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। पेट्रोल और डीजल निकालने का प्रोसेस काफी ज्यादा कठिन होता है, और पेट्रोल और डीजल को जमीन से निकाला जाता है, जिसकी वजह से यह दिन पे दिन महंगे होते जा रहे हैं। और अब आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये पेट्रोल कंपनी पेट्रोल और डीजल को जमीन से निकालने के बाद सीधा पंप करके हमारे तक पहुँचा देती होंगी, लेकिन भाई ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि पेट्रोल और डीजल को निकालने का प्रोसेस बहुत ही कठिन होता है। और जब पेट्रोल को जमीन से निकाला जाता है तो गाढ़े तरल पदार्थ के रूप में होता है, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। और पेट्रोलियम का मतलब होता है चट्टानों से बनने वाला तेल। और पेट्रोलियम के पीछे बनने की एक बहुत ही बड़ी घटना है। और कहा जाता है जब धरती पर डिजास्टर हुए तो जो एनिमल्स थे और प्लांट्स थे धरती के, वह धरती के अंदर ही दब गए और जो डिकम्पोज होकर पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। फिर इंसानों ने जमीन पर ड्रिलिंग कर करके भी पेट्रोलियम को निकाल लिया। पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं, और ये क्रूड ऑयल जमीन के साथ साथ समुंदर में भी पाया जाता है। और इस क्रूड ऑयल को ढूंढने में कभी कभी तो सालों लग जाते हैं, और इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, इसीलिए तो पेट्रोल और डीजल इतना ज़्यादा महंगा होता है। और क्रूड ऑयल मिल जाने के बाद इसका हम यूज भी नहीं कर सकते, इसलिए इसको सबसे पहले कई सारे प्रोसेस से गुजारा जाता है, और इसका कई सारे तरीकों से फिल्टर किया जाता है, जिसके बाद हम इसका यूज कर सकते हैं। और इससे सबसे पहले हीट किया जाता है, फिर इसे ठंडा किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हमारा पेट्रोलियम होता है काफ़ी मात्रा में शुद्ध हो जाता है। और इस ऑयल को बड़े बड़े कंटेनर में स्टोर करने के बाद इसे एक जगह से दूसरी जगह तक भेज दिया जाता है, जिसके बाद यह पेट्रोल और डीजल यूज करने के लायक बन जाता है, और इसे हम अपने गाड़ियों में, कारों में, बाइकों में, बसों में यूज कर सकते हैं। और समुद्र से पेट्रोलियम निकालने के लिए सबसे पहले समुद्र में 1000 फीट तक ड्रिलिंग की जाती है, जिसके बाद क्रूड ऑयल निकलता है, और क्रूड ऑयल निकलने के बाद उसको कई सारे प्रोसेस से गुजारा जाता है। और इस क्रूड ऑयल को यूज करने के लायक बनाने के लिए इसे सबसे पहले अलग अलग चैम्बर में गुजारा जाता है, और अलग अलग चैम्बर में अलग अलग प्रोसेस होता है, जिससे पहले इसे हीट किया जाता है, फिर इसे ठंडा किया जाता है, जिसके बाद यह ऑयल हमारा यूज करने के लायक बन जाता है। और इस ऑयल को बड़े बड़े कंटेनर में स्टोर कर लिया जाता है, और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। और मेरी जान, यदि आप वीडियो लास्ट तक देख चुके हैं तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में।